अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है प्यारे हो? मैं थोड़ा अपना बजिया ते तुसी सड़ना जुड़े हो वेख पंजाब टीवी जरा। मित्रों प्यारे हो, आज मैं बुरेवाला दे रेलवे स्टेशन ते आया ते रेलवे स्टेशन दी एक अपनी अहमियत है क्योंकि इत्थे चाह नाल भी लोग आंदे ने, परेशान भी होंदे ने जदों आपदे मेहमानों नूं ड्रॉप करन वास्ते आंदे ने, छड़न वास्ते आंदे ने ते किसे नूं रुखसत करना है, वह बड़ा औखा हुंदा है ते उदों फिर परेशान भी हो जांदे ने, जज्बाती भी हो जांदे ने। तो जो कोई आता है किसी लैन वास्ते आते हैं स्टेशन तो अगर रिसीव करने वास्ते तो उदो चाह भी चढ़े होंगे ने। इदा द सारा माहौल अच्छे विखावे। स्टेशन छोटा जि है लेकिन आमदोरफ्त बड़ी है, गड्डिया कराची तक भी जाए ने, लाहौर भी, तो वह सारी चीज़ें अभी थोड़े साझी करते हैं, साढ़े नाल जुड़े रहे। जिमें ऑफिस होंगे ने, जो स्टेशन मास्टर है वह दफ्तर भी इधर है। असं पहले उन्होंने गलबात की कि भाई असी वीडियो बनानी है, कहें जी ऐन बिस्मिल्ला वीडियो बनाओ तो जरूर साड़ी नुमाइंदगी करो तुसी। ते असी फिर जना वीडियो बनाना शुरू की थी। ते कुछ लोगों ने मैं इतने बैठे वेख्या जेडे मैं इंज फील हो रहा है कि जिमें कले आए हैं, उन्हों का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इतने टाइम स्पेंड करने वास्ते। मैं भी थोड़ा जहा टुर फिर के वेख्या कि क्योंकि छोटे होंदे असी ट्रेन की पटड़ी क्रॉस करके फिर अपने घर जाते होंगे स, रास्ते जिहड़ियां तारां लगियां हुई ने वह तारां दे विच जाण के पैर मारना, उहदी छन छन जी आनी, फिर वो जिहड़े पत्थर पए होंदे ने उत्थे, हुण ते आ बजरी जी पई है, पहले वो गोल गोल जी पत्थर पए होंदे सी, वो शायद थोड़े कॉस्टली ने, हुण वो सारियां शैवें चेंज करती हैं। तो उहदे नाल सानूं बहुत वधिया लगदा सी। लो जी आ बाबा जी एक जा रहे ने, इन्हां दे नाल मेरी गपशप भी हुई, इन्हां कोलों पुछिया बाबा जी किवें हो, कहिंदे जी बहुत वधिया, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं सी, मैं हुण घर वालों जा रहा, स्टेशन दे इत्थे काम करदे ने। कुली लोग भी सानूं इत्थे मिले उन्हां दे नाल भी, क्योंकि स्टेशन बहुत वड्डा नहीं है, तो कुली भी इत्थे एवें कोई दो तीन सन जिहड़े आपदा काम करदे पए सन। बुरेवाला दे रेलवे स्टेशन ते इस वेले असीं मौजूद हाँ, तो मैनूं बहुत वधिया लग रहा। लो जी ट्रेन आ गई है जिहदा इंतजार सी सानूं भी,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਆਏ ਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮੁਸਾਫਰ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਸਟੇਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲਓ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸੋ ਅਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।